नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे 4 साल का परमाणु, जो कि वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स है। और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। खट, मुझे परमाणु से सीधा ही नहीं भिड़ना, उसके लिए मुझे मोहरों को तलाशना होगा। और वे मोहरे ऐसे होंगे जिनके बारे में परमाणु सोच भी नहीं सकता कि वे उसकी मौत बन सकते हैं। परमाणु के दोस्तों में से एक सैली, जिसे वक्त, हालात और दुनिया ने मैडम कोल्ड बनाकर मानवता की बहुत बड़ी दुश्मन बनने के लिए विवश कर दिया था, लेकिन परमाणु के प्रयासों ने उसे एक बार फिर वो सैली बना डाला जिसे मानवता से प्यार है और जो अपने इस प्यार को दूसरों पर निछावर कर रही है। उफ, आज फिर आपने अपने आप को गंदा कर दिया। चलो मैं आपको नहला कर लाऊं। सिस्टर, बच्चों के डोनेशन देने के लिए कोई आपसे मिलना चाहता है। उन्हें ऑफिस में बिठाओ, मैं अभी आती हूं। जल्दी। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज सैली। मैं जानता हूं, लेकिन मुझे सैली की नहीं, सैली में छिपी हुई मैडम कोल्ड की जरूरत है। ओह, फ्लैशबैक के हाथों में फिट यंत्र से फ्लैशबैक किरणें निकलकर सैली के मस्तिष्क से टकराई और इसी के साथ वक्त ने दौड़ लगा दी गुजरे हुए उस कल की तरफ, जहां वक्त मानो ठहर गया था। मैडम कोल्ड के हाथों से निकली बर्फीली तरंगों के प्रभाव से ठहरे शहर के ट्रैफिक की तरह, और ये दृश्य परमाणु के लिए आश्चर्यजनक था। इम्पॉसिबल, इस चौराहे की भागती जिंदगी वर्क में जाम होकर रह गई है। ऐसा तो तभी हो सकता है जब सक्रिय हो जाए मैडम कोल्ड। ओह नो, सैली रुको, ये तुम क्या कर रही हो? परमाणु दुनिया से धोखा खाकर सैली मर चुकी है। अब तो सिर्फ वो मैडम कोल्ड जिंदा है जो इस दुनिया को अपनी ठंडी आग में जला देगी, जिसमें बेवफाई ही बेवफाई भरी हुई है। इस बेवफा दुनिया को रुक ही जाना चाहिए। जैसे मैंने पहले तुम्हारे मंसूबों को सफल नहीं होने दिया, वैसे ही मैं आज भी नहीं होने दूंगा। उफ, आखिर सैल्य को एकाएक क्या हुआ? क्यों ये एक बार फिर मैडम कोल्ड बन गई है? ओह, कहीं प्रोफेसर सुधीर सेना ने फिर इसे बेवफाई करके इसे मैडम कोल्ड बनने के लिए मजबूर तो नहीं कर दिया? खैर, कारण जो भी हो, इसका पता मैं बाद में लगाऊंगा। पहले मैडम कोल्ड के घातक प्रहारों से खुद बचूं और इस शहर को बचाऊं। उफ, मैडम कोल्ड का गुस्सा सातवें आसमान पर है, इसलिए इस तरह मैं ना तो खुद को ज्यादा देर बचा सकता हूँ और ना इस शहर को। कोई जबरदस्त तरीका ढूंढना होगा। लेकिन क्या? परमाणु चिंता में मग्न था और फ्लैशबैक खुशी से भरे अट्ठास लगा रहा था। मेरे किरणों के जाल में फंसकर फ्लैशबैक में पहुंची मैडम कोल्ड सारी दुनिया के साथ साथ परमाणु को भी अपना दुश्मन समझ रही है, लेकिन मुझे दुनिया से मतलब नहीं। मुझे तो सिर्फ इस बात का इंतजार है कि मैडम कोल्ड कब मौत के घाट उतारती है परमाणु को। अरे ये क्या, ये परमाणु क्या कर रहा है? परमाणु जो कर रहा था वो मैडम कोल्ड की समझ में भी तब तक नहीं आया जब तक उसका परिणाम सामने नहीं आया। ओह, पावर भट्टी की चिमनी को नीचे की तरफ मोड़कर तू मेरी ठंडी आग में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है? जब तक मैं यहां हूं तू ऐसा नहीं कर पाएगा। ठीक कहा तुमने, इसलिए मैं अब तुम्हें यहां रहने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें यहां से दूर ले जाऊंगा और तुम्हें सैली बनने के लिए मजबूर भी कर दूंगा। दिल्ली वासियों को मैडम कोल्ड की ठंडी आग से बचाने के लिए खुद आग से खेल गया था परमाणु, और
मेरे शरीर पर मौजूद एस्बेस्टस की पोशाक आग को मेरे शरीर तक नहीं पहुंचने देगी। और ऐसा मैंने आग की सहायता से मैडम कोल्ड को वापस शैली के लिए किया है, लेकिन ये तरीका तभी फायदेमंद साबित होगा जब मैं मैडम कोल्ड को देर तक पकड़े रखूं। ओह, ये दहकती आग तेरी ठंडी आग को जल्दी शांत कर देगी। आई मैडम कोल्ड, ओह ऐसा नहीं होगा मैडम कोल्ड, ऐसा नहीं होने देगी। ओह, अपनी बची खुची शक्ति का प्रयोग शानदार ढंग से करके मैडम कोल्ड ने मेरे शरीर पर लगी आग को बुझा दिया। अरे अब क्या कर रही है ये? तेरी ये बेल्ट तेरी बहुत बड़ी ताकत है और तेरी इस बेल्ट की ताकत निश्चय ही इसमें लगी बैटरी होगी। मेरा ये वार उस बैटरी को कुछ देर के लिए ठंडा करेगा और मुझे तुमसे छुटकारा दिलाएगा। ओह नो, परमाणु के पास न समझने का समय था और न संभलने का, क्योंकि उसके पास बेल को पावर देने वाली बैटरी पर काबू पाने का कोई जरिया नहीं था। गुड़ुप, जबकि मैडम कोल्ड के पास उसका वो क्रोध था जिसके बल पर उसने अपनी शक्तियों पर काबू भी पाया और खुद को संभाला भी। फ्लैशबैक को ऐसा लगा मानो कोई बड़ा खजाना उसके हाथ लगता लगता रह गया हो। ओह, परमाणु को मौत के मुंह में पहुंचाते पहुंचाते ना जाने कहां भाग गई शैतान की खाला। थोड़ी देर और रुककर परमाणु पर वार कर देती तो उसका क्या जाता। खैर, उसके जाने का मतलब ये नहीं कि वो चुप बैठ जाएगी, निश्चय ही वो वापस लौटने की तैयारी कर रही होगी। फ्लैशबैक का सोचना एकदम सही था, सचमुच वापस लौटने की तैयारी कर रही थी मैडम कोल्ड। इस सारे शहर को, इस सारी दुनिया को मुझे अपने प्रतिशोध की आग में जलाना है और परमाणु इसमें सबसे बड़ी रुकावट है। परमाणु को रोकने के लिए मुझे उस प्रोफेसर सुदीश सेरा के प्रयोग का सहारा लेना होगा जिसकी बेवफाई ने मुझे मैडम कोल्ड बना डाला, और बेवफा सुदीश सेरा का वो प्रयोग है आइसोगन। इधर परमाणु भी अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। आखिर वो कौन सा कारण है जिसने शैली जैसी साधारण युवती को एक बार फिर मैडम कोल्ड बनने के लिए मजबूर कर दिया, और इस कारण को ढूंढने के लिए मुझे तुरंत ही मिलना होगा शैली उर्फ मैडम कोल्ड के प्रेमी प्रोफेसर सुदीश सेरा से। ये तुम क्या कह रहे हो, शैली एक बार फिर मैडम कोल्ड बन गई मेरी बेवफाई के कारण? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार देता हूँ। वर्षों से हमारे बीच तो तू मैं भी नहीं हुई। ऐसा है तो वो क्यों तुम्हारी बेवफाई का वास्ता दे रही है? वो क्या कारण है जिसके पीछे वो सारी दुनिया को बेवफा कहकर उसे शमशान बनाने पर तुली है? ओह गॉड, ओह माय गॉड। शैली के मैडम कोल्ड बनने का कारण है फ्लैशबैक, यानी उसका दिमाग उस समय में पहुंच गया है जब वो तुम्हें बेवफा समझकर विनाश पर उतारू हो गई थी। तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, परमाणु ने समझाया तो? चीटिया से रेंगने लगी प्रोफेसर सुदीश सेरा के शरीर में। क्या ऐसा भी हो सकता है? हो रहा है, फ्लैशबैक नामक एक शैतान ऐसा कर रहा है और उसका जीता जागता सबूत है मैडम कोल्ड। ओह, ये क्या हुआ? एकाएक ठंड कैसे बढ़ने लगी? किट किट, बाहर कुछ गड़बड़ है। बाहर उन्हें जो गड़बड़ दिखाई दी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। अब तक मैं अपनी आग से तुम्हें सिर्फ ऊपर से जला रही थी, लेकिन अब मेरी ठंडी आग तुम्हें ऊपर से नहीं अंदर से जलाएगी। ये बढ़ती ठंड पहले तुम्हारे शरीर से बहते लहू को जमाएगी और फिर शरीर के दूसरे हिस्सों को, और अब परमाणु तुम्हें किसी भी तरह नहीं बचा पाएगा, किसी भी तरह नहीं। उफ, मैडम कोल्ड फिर आ चुकी है, लेकिन इस बार वो हाथों में थमी गन से वार कर रही है। गन, ओह माय गॉड, उसके हाथ में तो वो आइसोगन है जिसका फॉर्मूला मैंने उसे 7-8 साल पहले बताया था। वो आइसोगन बनाने में सफल हो गई। उफ,
क्या बला है ये आइसोगन? बला नहीं, प्रलय है आइसोगन। इसका निर्माण मैं देश के दुश्मनों के लिए करने वाला था, क्योंकि उससे निकलने वाली कोल्ड किरणें इंसान को पलक झपकते ही जमा देती है। अगर शैली उस गन की किरणों से सारे शहर को जमाने की कोशिश करने के बजाय उन सारी किरणों का प्रहार एक ही बार में इस इलाके पर करती, तो 10 सेकेंड में ही इस इलाके के लोग क्या पत्थर भी जम गए होते। वैसे पूरे शहर को भी जमने में कुछ ही मिनट लगेंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि उसके आसपास का टेम्परेचर शून्य से इतना ज्यादा कम है कि ऐसे में उसकी तरफ बढ़ने वाली हवा भी जम रही है। ओफ, इसका मतलब मैं छोटा होकर या ट्रांसमिट होकर भी उस तक नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल, ऐसा करना 100% मौत के मुंह में छलांग लगाने जैसा है। तुम उस आइसोगन के आविष्कारक हो, क्या तुम्हारे पास उसका कोई तोड़ नहीं? नहीं, इस गन को शैली के हाथों से छुड़ाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है, मैं मौत के मुंह में छलांग लगाऊंगा और तुम्हें उसमें मेरी मदद करनी होगी, प्रोफेसर सेरा के रूप में नहीं, ब्रिचा के रूप में। क्या मतलब? सब समझ जाओगे, मेरी बात गौर से सुनो। सब कुछ सुनने के बाद, ओह माई गॉड, तुम एक ऐसा जुआ खेलने जा रहे हो परमाणु, जिसमें जिंदगी के हार के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे इस तरह मिलने वाली मौत भी मंजूर है, इसलिए अब तुम ब्रीछा बनने में देर मत करो प्रोफेसर। इधर प्रोफेसर सुदीश सेरा ब्रीछा में बदला और इधर परमाणु ने अपने आप को छोटा करना शुरू कर दिया। पेड़ की जो खोखली जड़ मुझे चाहिए वो तुम्हें मिल भी जाएगी और वो वैसा कर भी देगी जैसा मैं चाहता हूँ। आसपास मौजूद बहुत से वृक्षों की जड़ें इतनी खोखली है कि तुम्हारे काम आ सकती है, और रही उस जड़ के द्वारा वर्ग के उस खंभे को फोड़ने की बात, तो वृक्षा के इशारे पर जड़ तोप से निकले गोले की तेजी से बढ़ेगी और तीर की तरह वर्ग के मोटे खंभे को भेद कर उसमें ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाएगी। बाकी तुम देखो, अब तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो या नहीं, वो तो मैं कर लूंगा। तुम इस जड़ में मेरे घुसने का रास्ता बनाओ। तुरंत ही परमाणु खोखली जड़ में घुस गया और इसी के साथ ही उसका एक अनोखा सफर शुरू हो गया। वर्ग के खंभे को बीच में से फोड़कर ऊपर बढ़ती इस खोखली जड़ के बीच से होकर मैं उस भयंकर जमा देने वाली ठंड से सेफ हूँ जो वातावरण में फैली है। अब मैं बिना जमे मैडम कोल्ड तक पहुंच सकता हूँ, लेकिन उस तक पहुंचकर उसके हाथ से गन को छुड़ाना क्या इतना ही आसान है जितना मैं सोच रहा हूँ? काम बहुत बहुत मुश्किल था। और अचानक सतर्क हो उठी मैडम कोल्ड की सतर्कता ने उस काम को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया था। ओह, लेकिन जो अंतिम समय तक साहस और प्रयासों का दामन नहीं छोड़ते, उनके लिए मुश्किल काम को आसान बना लेना मुश्किल नहीं होता। ओह, मैडम कोल्ड के हाथों से आइसोगन ही नहीं छूटी, उसके दिमाग से होश का दामन भी छूट गया। धड़ाक! बस ये आखिरी हरकत थी जो परमाणु के शरीर ने की, और फिर वो वर्ग का पुतला बनकर नीचे आ गिरा। धड़ाक! लेकिन वातावरण से मैडम कोल्ड के कहर का सिकंजा हट चुका था, इसलिए उस हालत में अब ना परमाणु अधिक देर रहने वाला था और ना दूसरे। और इस दृश्य ने फ्लैशबैक की दिमाग की नसों को हिलाकर रख दिया। मैडम कोल्ड ने परमाणु को मौत के आगोश में पहुंचा ही दिया था, लेकिन दाद देनी होगी परमाणु की, जिसने अपने आप को बचा लिया। लेकिन इस तरह उसने और भी दर्दनाक मौत से मरने का इंतजाम कर लिया, क्योंकि अब मैं परमाणु को जिस दोस्त को उसका दुश्मन बनाने जा रहा हूं, वो मौत का ऐसा तूफान है जो परमाणु की जिंदगी को तिनके की तरह उड़ाकर ले जाएगा। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में, तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।